चलिए एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस क्लासेस द सिंबल ऑफ सक्सेस पर। UPPCL, TGT, SSC स्टेनो, UP पैट आदि सभी परीक्षाओं के लिए इंग्लिश की ये बेहतरीन सीरीज। तो चलिए सीधी बात, नो बकवास, चलते हैं अपने टारगेट की ओर। तो जैसा कि इस सीरीज में हम लोग दोस्तों पढ़ रहे थे सिनोनियम्स, तो आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए 5 सिनोनियम्स और कुछ ग्रामेटिकल रूल जो एग्ज़ाम में 95% आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड आप लोगों की स्क्रीन पे है जो लिखा है स्ट्रेटम, स्ट्रेटेगम, STRATAGEM। स्ट्रेटेगम का जो मीनिंग होता है सर, वो होता है स्ट्रेटेगम मतलब चाल। चाल का मतलब कौन सी चाल? सकुनी वाली चाल, मतलब कहा कुछ और कर दिया कुछ और। तो देखिए ट्रिक लिखा है, ट्रिक का मतलब भी वही होता है क्या, चाल या हाथ की सफाई जैसे जादूगर दिखाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन में मुझे मिल गया है, ट्रिक मतलब चाल या हाथ की सफाई, याद रखेंगे ए ऑप्शन स्ट्रेटेगम, स्ट्रेटेगम। दूसरा लिखा है बी ऑप्शन में स्ट्रेट, STRAIT। स्ट्रेट होता है कठिन, मतलब हार्ड का सिनोनियम से याद रखेंगे, हार्ड का सिनोनियम है, या जो है संकीर्ण भी इसका मतलब होता है, स्ट्रेट का मतलब संकीर्ण भी होता है। नैरो का सिनोनियम से याद रखेंगे NARROW, नैरो का सिनोनियम से। बर्ड लिखते जाएंगे, कॉपी पेन उठा लेंगे, वीडियो को अंत तक देखेंगे। और इसमें थर्ड ऑप्शन लिखा है सर स्ट्रेटेटम, स्ट्रेटेटम STRATUM। स्ट्रेटेटम का मतलब होता है स्तर, स्तर का मतलब लेबल, लेबल का सिनोनियम है LEVEL। और डी ऑप्शन में लिखा है सर रूबी, रूबी को आप लोग जानते हैं माणिक्य या मोती, या रेड का भी सिनोनिम से लाल भी कहते हैं इसे, ठीक है सर, याद रखेंगे चारों। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चल रहे हैं, नेक्स्ट वर्ड लिखा है सर इनोकस, इनोकस का मतलब होता है हानि रहित, जिसमें कोई हानि ना हो, इनोकस का मतलब होता है हानि रहित, मतलब जिसमें कोई हानि ना हो। तो ए ऑप्शन में सर लिखा है हार्मलेस, मतलब यही भी हार्म का मतलब होता है। देखिए सर दो वर्ड होते हैं, एक होता है हार्मफुल, हार्मफुल, तो देखिए हार्म का मतलब हानि और फुल मतलब युक्त, हानि युक्त। देखिए जैसे यूजफुल होता है ना सर, यूजफुल, तो यूज का मतलब उपयोग और यूजफुल का मतलब उपयोगी, वैसे ही हार्म का मतलब हानि और हार्मफुल का मतलब हानि युक्त। तो यहाँ पर हार्मलेस का मतलब जो है वही होता है सर हानि रहित, इनोकस का मतलब भी हानि रहित या ए हानिकर कह सकते हैं, ए ऑप्शन इज करेक्ट। आप लोगों का जो सिनोनिम्स है वो हार्मलेस है। उसके बाद बी ऑप्शन में लिखा है सर फ्रेंडली, फ्रेंडली, फ्रेंडली मतलब मित्रवत, मित्रवत व्यवहार, ठीक है, जिसे आप लोग दोस्त अपनी भाषा में कहते हैं, ठीक है। और अगला वर्ड लिखा है ह्यूमरस, ह्यूमरस आप लोग जानते हैं हास्यजनक। एक वर्ड पढ़ाया था मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को, रिडिकुलस, लास्ट क्लास में एक वर्ड पढ़ाया था सर रिडिकुलस, रिडिकुलस मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। रिडिकुलस का मतलब भी हास्यास्पद होता है, हास्यास्पद मतलब मजाकिया। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चल रहे हैं सर, अगला वर्ड लिखा है सिंपेथिक, सबको पता होगा, सब लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा सिंपेथिक का मतलब क्या होता है, सिंपेथिक का मतलब क्या होता है, कमेंट बॉक्स में छापिएगा सब लोग, सबके रिप्लाई का मैं वेट करूंगा, सिंपेथी या सिंपेथिक क्या होता है इसका मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चल रहे हैं, बहुत अच्छा वर्ड है इवेड, इवेड का मतलब है सर टाल मटोल करना, इवेड का मतलब है सर टाल मटोल करना, EVADE, या बचकर निकल जाना, किसी काम से बचकर निकल जाना या टाल मटोल करना। तो देखिए सर चीट, चीट का मतलब सब लोग जानते हैं, फिर से कमेंट बॉक्स में सब लोग छापिएगा कि चीट का मीनिंग क्या होता है, चीट का मीनिंग क्या होता है सब लोग छापिएगा। उसके बाद अगला वर्ड लिखा है सर प्रीटेंड, प्रीटेंड का मतलब होता है दावा करना या दिखावा करना, प्रीटेंड का मतलब होता है सर क्या, दावा करना या दिखावा करना, अभी तक नहीं मिला। अवॉइड, अवॉइड का मतलब होता है बचना, टालना या दूर रहना, बचना या टालना या दूर रहना। तो हमारा जो सिनोनियम्स है वो सी ऑप्शन है, इवेड का सिनोनियम्स, इवेड का पर्यायवाची सर क्या हुआ अवॉइड। अगला वर्ड है बैकेट, बैकेट मतलब जैसे खाली रह जाना, रिक्त रह जाना, जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में कब जब कोई वैकेंसीज आती है तो कहते हैं इतने पद वैकेट रह गए, वैकेट रह गए मतलब खाली रह गए, कोई अभ्यर्थी नहीं मिला, तो इस बैकेट का मतलब होता है खाली रहना। तो एक बार रिपीट कर रहा हूँ, चीट जो आपको कमेंट बॉक्स में छापना है, प्रीटेंड, प्रीटेंड का मतलब होता है दावा करना,
किसी चीज़ के लिए। अवॉइड, अवॉइड का मतलब होता है बच के निकल जाना, टालना या दूर रहना। और बैकेट, बैकेट का मतलब होता है सर खाली करना। नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों के पास सर इम्पेटुअस, इम्पेटस, IMPETUOUS, इम्पेटस। इम्पेटस का मतलब होता है सर अविवेकी, मतलब जिसमें बुद्धि ना हो। याद है आप लोगों ने अगर देखा हो तो चंद्रगुप्त मौर्य, वहाँ पर चाणक्य ने के पास बुद्धि थी और चंद्रगुप्त मौर्य के पास बल। यही कहा जाता है कि जब बल और बुद्धि का संयोग हो जाता है तो कहीं भी विजय प्राप्त की जाती है, और एक व्यक्ति में बल और बुद्धि देखने के लिए बहुत कम मिलता है। इम्पेटस का मतलब होता है सर अविवेकी, मतलब बुद्धिहीन मैं कह सकता हूँ, जिसमें विवेक ना हो। इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव मतलब सर प्रभावशाली। हैस्टी, हैस्टी का मतलब होता है सर फुर्तीला। यही आंसर है सर आप लोगों का, अविवेकी मतलब हैस्टी। डिस्टर्बिंग आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, परेशान करने वाला। डिस्टर्बिंग देखिए नाउन है, परेशान करने वाला, आईएनजी लगा लेकिन फिर भी नाउन है। उसके बाद इम्पायस, इम्पायस का मतलब होता है सर अधर्मी या नास्तिक। अधर्मी या नास्तिक मतलब जो भगवान पर विश्वास ना करता हो। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट वर्ड है सर सब लोग जानते हैं फोरसेक। फोरसेक मतलब छोड़ देना या त्याग कर देना। ए ऑप्शन मिल गया है डिस्टिंग्रेट। डिस्टिंग्रेट का मतलब होता है सर विघटित करना, तोड़ देना किसी चीज़ का, वियोजन कर देना, अलग अलग दो टुकड़ों में भाग देना। जैसे मैं कह सकता हूँ स्लाइस, स्लाइस का मतलब दो टुकड़ों में बांटना होता है। देखा आप लोगों ने ऐड देखा होगा स्लाइस का, वहाँ पर जो मैंगो होता है उसे दो ही टुकड़ों में बांटा जाता है। जब किसी चीज़ को दो टुकड़ों में तोड़ते हैं तो उसके लिए स्लाइस का यूज करते हैं। अगला वर्ड लिखा है सर सेपरेट। सेपरेट का मतलब होता है सर अलग करना। देखिए दोनों मीनिंग सेम है, डिस्टिंग्रेट और सेपरेट, विघटित करना या अलग करना। अवेंडन, अवेंडन मतलब छोड़ना या त्याग देना। तो सी ऑप्शन आप लोगों का सिनोनिम से अवेंडन। उसके बाद लिखा है सर फोरगो। फोरगो मतलब किसी चीज़ से परहेज करना, किसी चीज़ पर ऐतराज करना, ये होता है सर फोरगो। ऑप्शन आपका सी करेक्ट था अवेंडन, याद रखेंगे सी करेक्ट ऑप्शन था अवेंडन। नेक्स्ट चल रहे हैं जी सर, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़बरदस्त रूल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की पहचान आप लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे, इंग्लिश में पहचान छापेंगे कि क्या फ्यूचर परफेक्ट की इंग्लिश में पहचान होती है, जिससे हम लोग इंग्लिश के सेंटेंस को देखकर पता लगा सकते हैं कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का है। बेटर रहेगा आप लोगों की कमेंट का। क्या लिख रहा है सर, राम के डबल क्लास, डबल क्लोज सेंटेंस मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फ्यूचर परफेक्ट के। देखिए डबल क्लोज में दो तरह के सेंटेंस होते हैं फ्यूचर परफेक्ट। एक हिंदी में मैं बात करूं तो एक के बीच में पूर्व कंजक्शन का यूज़ होता है और एक के बीच में बाद कंजक्शंस का यूज़ होता है। बनाने का तरीका सेंटेंस को, इंग्लिश में कैसे हम लोग एरर आएगी, कैसे इंप्रूवमेंट्स आएगा, इस सब के बारे में भी बात करेंगे। बनाने का तरीका, सबसे पहले हमें ये देखना है कि पहले कौन सा काम हुआ है। तो राम के आने से पूर्व श्याम एक पत्र लिख चुकेगा, तो राम नहीं आया, श्याम ने पत्र लिख लिया। तो सर जो फर्स्ट क्लोज है हमारे पास ये हो गई है, यही लिखा है फर्स्ट क्लोज। उसके बाद बची हुई जो क्लोज बची वो सर सेकंड क्लोज हो गई। ठीक वैसे ही नेक्स्ट लिखा, आपके पढ़ाने के बाद मैं खाना बनाऊंगा। तो सर बाद, आपके पढ़ाने के बाद मतलब मैं खाना बनाऊंगा, पहले कौन सा काम हुआ, पढ़ाने का, और उसके बाद क्या बनाया गया, खाना। तो यहाँ पर बाद वाले में जो काम बाद में हुआ वो फर्स्ट क्लोज मानते हैं, और जो पहले हुआ उसे सेकंड क्लोज मान लेते हैं। तो देखिए बनाने का तरीका साफ साफ लिखा है कि जब सेंटेंस में यूज हुआ होगा किसका सर, बिफोर का, तो जो फर्स्ट क्लोज होगी वो हमेशा फ्यूचर परफेक्ट में होगी। आप लोग इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, हिंदी को भूल जाइए, कि बिफोर से पहले वाला जो सेंटेंस बनेगा वो सर हमेशा फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब सीधे सीधे समझ लीजिए, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट। और जो सेकंड क्लोज होगी सर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगी, ना कि फ्यूचर इंडेफिनिट में। ज़्यादातर एग्जाम में जब एरर या इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए आता है तो सेकंड क्लोज को फ्यूचर इंडेफिनिट में लिख के देता है, बिल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लिख के देता है, जो कि बहुत बड़ी गलती है। आप लोग याद रखेंगे कि जब बिफोर लिखा होगा और सेंटेंस में फर्स्ट क्लोज जो है फ्यूचर परफेक्ट में होगी, तो बिफोर के बाद वाली जो क्लोज होगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग बनाएंगे। अभी मैं सेंटेंस लिख के आप लोगों को बताऊंगा। नेक्स्ट लिखा है सर आफ्टर। जब आफ्टर सेंटेंस में होगा, आप लोगों को इंग्लिश में ही सेंटेंस आएगा, जब आफ्टर सेंटेंस में होगा और पहला सेंटेंस सर फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा होगा, तो याद रखिएगा दूसरा सेंटेंस हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे।
नोट कर लीजिए कॉपी पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है। अब देख लीजिए कि सेंटेंस सेंटेंस में देखिए, मैं कुछ नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ दो चीज़ें नोटिस करूंगा सर कि क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। सेंटेंस में सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि कंजक्शंस क्या यूज़ हुआ है, तो मैंने सबसे पहले सर देखा बिफोर यूज हुआ है। तो बिफोर का जो रूल था वो ये था कि जो बिफोर से पहली वाली क्लोज होगी वो फ्यूचर परफेक्ट में बनेगी। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब बिल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो जरा बिल हैव यूज हुआ है क्या, तो बिल हैव ये रहा सर और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब फर्स्ट क्लोज सही लिखी है। तो अब मैं सेकंड क्लोज चेक करूंगा कि क्या वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो क्लोज बना दी हो फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो सर बिफोर के बाद वाली क्लोज राम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ए एस, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, यानी कि सेंटेंस सही है। यहाँ पर सर लिख कर देता है राम बिल कम, यहाँ आप लोगों को लिख कर मिलेगा राम बिल कम। तो ऐसी गलती मत करिएगा आप लोग कि राम बिल कम सही समझ लें, ये गलत हो जाएगा सर। यहाँ पर हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चल रहे हैं सर, एक आफ्टर वाला देख ले रहे हैं। जैसे लिखा है सर देखिए, ये लिखा है आफ्टर, तो आफ्टर वाली क्लोज का सीधा सा मतलब है कि फर्स्ट क्लोज जो होगी आफ्टर से पहले जो होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट भी बनेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब सीधे सीधे सर कि बिल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बिल या सेल का यूज कैसे होता है आप लोग जानते हैं कि जितने भी फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी, उन सब के साथ सेल का यूज होता है। अदरवाइज जितने भी पर्सन होते हैं उन सब के साथ हम लोग विल का यूज करते हैं। और इसके एक्सेप्शंस हैं कि कहां पर हम लोग बिल की जगह सेल यूज करेंगे, सेल की जगह बिल यूज करेंगे। जब मैं आप लोगों को टेंस पढ़ाऊंगा तब मैं इस बारे में चर्चा करूंगा। तो देखिए सर, फर्स्ट क्लोज में लिखा है सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सेकंड जो क्लोज बनेगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगी। और यहाँ ध्यान रखेंगे सर आप लोग कि यू टीच ही लिखा है, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा है, मतलब सेंटेंस करेक्ट है। अगर किसी भी तरह की कोई भी क्यूरी है, कोई भी समस्या है इससे मतलब रूल से लेकर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे बात करिएगा। ये वो टॉपिक है, ये वो रूल है जो आपको एक नंबर 100% फिक्स करेगा, और एक से ज़्यादा तय करे उसकी जो संभावना है वो 90% है, लेकिन 1% 100% बोल रहा हूँ एक नंबर श्योर करेगा। आगे चल रहे हैं सर नेक्स्ट इसी में। अब यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब कहाँ कहाँ पर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस का यूज़ करते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट इज़ ए मिक्सर ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट और पास्ट का मिक्सर है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के समय द एक्शन इज ऑलरेडी कम्प्लीट इन द पास्ट। जब हम बोलते हैं ना सर, जो काम होता है, जो एक्शन होता है वो ऑलरेडी पास्ट में हो चुका होता है। जैसे मैं अभी बोल चुका था कि राम के आने से पूर्व श्याम एक पत्र लिख चुकेगा, इस तरह से। या मैं कह चुका था उसने 7 बजे तक खाना बना लिया होगा, या वह 7 बजे तक खाना बना चुका होगा। तो देखिए सर, 7 बजे तक, मैं ये नहीं पता लग पा रहा है कि कौन से 7 बजे की बात कर रहा है, बस ये कह रहा है कि खाना बना चुका होगा। आगे लिख रहे हैं, जब इंग्लिश सेंटेंस में निम्न एडवर्ब और कंजक्शन का यूज हुआ हो तो सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब सामान्यतः प्रेजेंट परफेक्ट में होती है, तो कभी कभी पास्ट परफेक्ट में बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोग सेंटेंस की एरर, इम्प्रूवमेंट्स और फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट बहुत आसानी से पकड़ेंगे। देखिए सर क्या कह रहा है, अगर किसी सेंटेंस में एवर का यूज हुआ हो, या जस्ट का यूज हुआ हो, या रिसेंटली का यूज हुआ हो, या ऑलरेडी का यूज हुआ हो, या येट का यूज हुआ हो, या टिल का यूज हुआ हो, या सो फार का यूज हुआ हो, या लेटली का यूज हुआ हो, या बिफोर का यूज हुआ हो, या बाई द टाइम का यूज हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में जो सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो सामान्यतः है, सामान्यतः का मतलब 95% जो है प्रेजेंट परफेक्ट में होती है। लेकिन उसके अलावा 5% में वो फॉर्म जो है पास्ट परफेक्ट में भी चली जाती है। तो हमेशा याद रखेंगे केवल इतना, प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट में होता है। अगर ये हेल्प वर्ड्स जो हैं, ये एडवर्ब्स जो हैं, ये कंजक्शंस जो हैं यूज हुए हों किसी सेंटेंस में, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं आई हैव सीन जस्ट दैट फिल्म, तो जैसे ही मैंने जस्ट देखा वैसे ही मैं हेल्पिंग वर्ब चेक करूँगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लिखा है कि नहीं लिखा है। तो आई के साथ सर हैव आता है, और सीन सी की थर्ड फॉर्म है, सीन जो है सर सी की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर सेंटेंस करेक्ट है, सिर्फ जस्ट की वजह से मैंने देख लिया। ठीक वैसे ही ऑलरेडी का यूज हुआ, तो ऑलरेडी से पहले भी मेरे पास सीधे लिखा है क्या सर, प्रेजेंट परफेक्ट
और देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में हैड का प्रयोग हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन कैसा रहा? आप जल्दी से वीडियो अगर चाहते हैं तो याद रखें सर, जब तक वीडियो का टारगेट 100 व्यूज प्लस नहीं हो जाता, कम से कम 100 लाइक उस पर नहीं मिल जाते, 100 प्लस लाइक नहीं मिल जाते, मैं अगली वीडियो अपलोड नहीं करूँगा। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, पहली ही वीडियो पर अभी 80 व्यूज़ हुए हैं। तो आप लोग बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके सपोर्ट के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है मैं YouTube पे वापस आकर आप लोगों को पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। तो मिलते हैं अगले सेशन में। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए, टारगेट बना के पढ़िए, मेहनत करिए, हमेशा मैं आपके साथ हूँ। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।